अलैकुम जी, बोलिए वालेकुम जी जी। वालेकुम सलाम। हजरत, कैसे हैं जी? अलहमदुलिल्लाह। हजरत, मैं मुनीर बोल रहा था, दिल्ली से, हिंदुस्तान से। जी जी हाँ मुनीरी जी बताइए। जी जी अगर मुझे ना मतलब आप एक सवाल पूछना था, एक मसला था कि मतलब मैं जैसे ख्वाब देखता हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफी फायदे हो रहे हैं। आप जैसे बताते हैं जो वजाइफ वगैरह, और मतलब बहुत फायदे हो रहे हैं। और माशाल्लाह मतलब मैं जैसे ख्वाब देखता था तो मैंने सबसे पहले आप फिल्म को जब दीदार किया था तो मतलब आपकी वीडियो देखा था, आपके उस पर अमल करा था, उसके बाद ही मुझे दीदार हुआ था। तो माशाल्लाह मतलब मुझे ऐसे मतलब बहुत ख्वाब दिखाई देते हैं माशाल्लाह कि जैसे मतलब मैंने अक्सर ज्यादातर नबियों को देखा है ख्वाब में, और मतलब सहाबा इकराम को भी देखा है, और औलिया इकराम। तो सर माशाल्लाह मुझे मतलब ये जानना था कि कई लोग मतलब जैसे मुखालफत में जैसे ये बोल जाते हैं कि ये सब सिर्फ जहन की बातें रहती हैं, कि तुम जहन में ठीक सोचते रहते हो तो इसलिए तो तुम्हें मतलब दिखाई दे, शैतान दिखा देता है। अल्लाह तो अगर मुझे ये जानना था कि मतलब शैतान किस हद तक ख्वाब दिखा देता है, जहन किस हद तक देख लेता है। ठीक और बहुत मतलब मैंने ये शुक्रिया भी देखा था ख्वाब, मतलब आप जी हजरत, मैं आपको तो बहुत कसरत से देखता हूँ ख्वाब में। माशाल्लाह माशाल्लाह। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने तो मेरे मुरीद भी हैं और आपने मेरे नाम की निस्बत से अपना लकब भी रख दिया मुनीरी, महमूद मुनीरी के नाम से। आप ये नाम पर मुझे अभी याद नहीं आपका क्या है, लेकिन मुनीरी निस्बत ज़ाहिर है कि पीरो मुर्शद के साथ इस कदर अकीदत मोहब्बत कि अपने नाम के साथ अपना लकब मुनीरी रख लेना, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए और फैज़ान के दरवाज़े खोलेगा। और जैसे आप ख़ुद बता रहे हैं कि आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, और ज़ाहिर है कि मुबशरात ख्वाबों ही से तो स्टार्ट होते हैं। इल्म व मारफत के जब भी दरवाज़े खुलते हैं वो ख्वाब से तो शुरू होते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप पर जब नबूवत आनी थी तो आप ख्वाब से तो शुरू हुआ सिलसिला, ये वही का शुरू ही ख्वाब से हुआ है। ये तो सही बुखारी की हदीस है। खुदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला वही का ख्वाब से शुरू हुआ, मुबशरात सच्चे ख्वाबों से शुरू हुआ। और यहाँ तक कि बुखारी की हदीस है कि आप इधर ख्वाब देखते थे, इधर ताबीर नज़र आती थी, हाथ क्या ताबीर देखते थे। तो ये ख्वाब असल में ये आलम गैब के साथ इंसान की जो है वो रूहानी नस्बत को जो है मुनासबत पैदा करने के लिए अल्लाह ख्वाब दिखाते हैं। तो आलम गैब के साथ एक मुनासबत पैदा हो जाती है कि वहाँ से मुबशरात इंसान देखता है, दिनों में ताबीरें देखता है। तो ये तो इसका मतलब ये है, इल्म मारफत का दरवाजे आप पर खुलेंगे इंशाल्लाह, और इसी ख्वाबों से तो स्टार्ट होता है। और जो नालायक लोग कह देते हैं जी तुम्हारे दिल का ख्याल है, तुम सोचते हो तो वही हो जाता है, उनका ठीक है तुम सोच के ख्वाब दिखा दो ना, वो सोच लें, सोचें तो सोच के ख्वाब देख लें किसी नबी को या खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर सोच के ही ख्वाब नबी का देखा जा सकता तो कौन सा मोमिन है जो नहीं सोचता नबी के बारे में? क्यों नहीं ख्वाब आते सबको? हर आदमी वज़ायफ़ पढ़ने में, दुरुशी भेजने में लगा हुआ है कि यार सरकार दो आलम का दीदार हो जाए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के इज़न के साथ ही होता है। अल्लाह जिस पे पर्दा गैब में से चीज़ें जो है ट्रांसफ़र करे तो वो जो उसकी मुनासबत पैदा करने के लिए। तो नबी पर भी ख्वाब ही से सिलसिले शुरू हुए और आलम गैब के साथ आपकी तबीयत की मुनासबत कायम की, फिर उसके बाद जो है हाल में बेदारी में भी ऐसे अहवाल ज़ाहिर हुए और वही का सिलसिला शुरू हुआ और आपको ग़ार हिरा में जो है नबूवत मिली। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो नावाकिफ़ हैं। और फिर आप भी ख्वाब भी हरे को शेयर भी ना करें, इसलिए हदीस में मना है कि हबीब या लबीब को बताओ। हबीब का मतलब जो आपका वाकई मुखलिस है उसको आप बताएं ख्वाब, ताकि वह ख्वाब की बुरी ताबीर ना दे और आपका मजाक ना बनाए, या बुरी ताबीर देगा तो ख्वाब आपका ज़ाया हो जाएगा। और या लबीब को बताएं, लबीब मानी अक्लमंद, लबीब अक्लमंद से मतलब आलिम दीन हो या कोई समझदार आदमी हो जो उसकी अच्छी ताबीर दे आपको, उसको आप बताएं। हर एक से ख्वाब शेयर भी ना करें। ये तो कुरान क्या, तो कुरान में तो सच्चे सगे भाई जो है वो मुखालिफ हो जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुन के सारे भाई दुश्मन हो गए, हालांकि बाप एक है, वो बाप शरीक भाई हैं, सारे अल्लाती भाई हैं, लेकिन वो ख्वाब सुन के सारे दुश्मन हो गए। तो इसका मतलब वो कह ये ख्वाब जो देख रहा है लगता है बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है भाई, तो ख्वाबों पर दुश्मनी खड़ी होगी। इसलिए ख्वाब सुन के भी आज जो हमारे ज़र्फ़ ज़्यादा नहीं है, हम जैलस हो जाते हैं, अगले को ख्वाब सुन के भी बर्दाश्त हमसे नहीं होगा होता। और हकीकत में अगर किसी को मुकाम मिल जाए वो भला कहाँ बर्दाश्त होगा, उस पर तोहमत राजी तो होगी होगी। लिहाजा नबियों को लोगों ने भला माफ़ किया,
اس لیے اس سے آپ پریشان ہو، خواب بالکل حقیقت ہوتے ہیں، اور خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے. اسے نبی نے فرمایا کہ 45 حصے جو نبوت کے وہ ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکے، ایک الا المبشرات، صرف مبشرات سچے خواب باقی ہیں. اور قرب قیامت میں جو یہ ابھی قرب قیامت چل رہا ہے، اس میں تو نبی نے فرمایا کہ ایمان والوں کو کثرت سے خواب آیا کریں گے، اور خوابوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جو رہنمائی کیا کریں گے، یہ کر لو اور یہ نہ کرو، یہ صحیح اور یہ غلط ہے. لہذا خواب آنا یہ اچھی بات ہے، بس یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے نیک اعمال پہ لگے رہیں، اور پیر و مرشد کے جو معمولات ہیں ان معمولات پہ پابندی کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ آپ کی روحانی ترقی کی علامت ہے، اس طرح روز بروز آپ آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں اپنے مریدین کو ریکمینڈ کیا کرتا ہوں، میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی، مہاجر مدنی قدس سرو کی کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، چھوٹی سی کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، اس میں ہمارے سلسلہ چشتیہ کے تمام بزرگوں کے احوال ہیں، وہ روز مطالعہ کیا کرو، بھلے دو صفحے پڑھ لو، دو ورق پڑھ لو، ایک دو اولیاء اللہ کے حالات پڑھ لو، حضرت مختصر انداز کے اندر حالات جمع کیے ہیں، لیکن روز پڑھ کے سوئیں تو اولیاء اللہ کے ساتھ ایک خاص مناسبت پیدا ہوگی، آپ کا اندر پاک ہوگا، اور آپ کو ایک خاص ولولہ جوش معرفت کے میدان میں ملے گا اور ترقی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے.